राम राम भाई, वीडियो देखने वाला दर्शक भाई ने भाई, आज आए हैं हम लुधियाना के पास जो है ना सान्यवाल, जो कि धर्मेंद्र का गाँव आया है, तो उस एरिया में आए हैं भैया। और मैं लाइव एग्रीचर देखो 2024 में, जो कि 19, 20 और 21 तीन दिन रहेगा जनवरी के महीने में। तो चलो आपको ना दिखाते हैं कि कौन कौन सी कंपनी के कितने प्रोडक्ट लेकर आ रही भाई। तो ये देखो दोस्तों, देखो सर्व में बढ़ते के साथ ना भाई, गेट के अंदर मैन एंट्री भाई, पॉइंट भाई, आपको केएस के प्रोडक्ट दिखेंगे भाई सारे के सारे। यहाँ पर भाई केएस ग्रुप का सुपर सीडर आप देख सको हो, केएस ग्रुप की रिपर देख सको हो, और भाई कंबाइन देख सको 9300, और केएस रिपर है 559XC। और इसके साथ साथ भाई आपने दिखाऊंगे ना बहुत सारी कंपनी आई हुई हैं, देखो तो दिखाते हुए चलेंगे आपने के अपने हिसाब से कौन कौन से इम्प्लीमेंट यहाँ पर आए हुए हैं, कौन कौन सी कंपनी आई है और कौन कौन से बेस्ट है। इधर पर शक्तिमान वाला की है स्टॉल, और आगे भी चलेंगे भाई। स्पेयर पार्ट वाली कंपनियाँ बहुत सारी आई हुई भाई, कोई यू बेच रहा है, कोई गरारिया बेच रहे हैं, इस तरह की ना बहुत सारे आए हुए हैं बंदे यहाँ पर, तो सारा दिखा देंगे आपने। बहुत छोटा सा एग्जीबिशन है, और ये देखो स्पेयर पार्ट बनाते हैं ये कंपनियां भाई, ठीक है। और ये देखो भाई प्रिंस के लिए थनेसर, ये किस चीज़ का नहीं भी पता कर लेंगे। और आलू के लिए कृषि यंत्र देख लो भाई बस, और उस साइड भी रहेगी भाई, पहले उस साइड का कवर कर लिया मैं तो दिखाऊंगी आपने। यहाँ पर देखिए भी आलू के लिए कृषि यंत्र है भैया इनके पास में भी, और देव स्टील्स ये भाई सुपर सीडर के लिए, रूटावेटर के लिए, वीडर के लिए ने पार्ट्स बनाती हैं ये कंपनियाँ। और ये देखो छोटा सा रूटावेटर भी इन्होंने बना रखा है, और गन्ने के लिए भी इन्होंने बना रखा है भैया। उधर भी स्पेयर पार्ट वाली कंपनियाँ हैं, और इस साइड भी दिखा देते हैं। यहाँ पे भैया मैंने ब्लॉक की मोटर बनाते हैं ये बंदे, और ये भैया टूल वगैरह के लिए बॉस वाले आए हुए हैं। आपने बहुत सारे टूल्स मतलब चाबी पन्ने मशीनें ड्रिल कटर वगैरह सब देखे होंगे बॉस कंपनी के आते हैं, तो एक एक चीज़ आपको दिखा देंगे भाई यहाँ पे कि सामने वाला एग्जीबिशन में क्या क्या कुछ आया हुआ है। डेंजर ये भैया गंडासा मशीन अमृत वाले की, अमृत एग्रो, और ये देखो दिखा दूँ मैं सारी की सारी मशीन करियाँ आपने इनके पास क्या क्या आया हुआ है। मशीन अमृत, ठीक है भैया, सारा का सारा देखते रहेंगे फिर भाई, बाद में ना पूरा वीडियो बना देंगे अलग से, पहले एक कंबाइन वीडियो देख लो। ये देखो भैया जो है ना मतलब स्पेयर पार्ट जैसे एग्रीकल्चर के लिए ना अपने स्प्रे पंप वगैरह लेने हैं, कार वाशर वगैरह लेने, तो इस तरह के इम्प्लीमेंट्स इनके पास में आपने मिल जाएंगे, ठीक है, कोई नहीं चलेगा। और स्पेयर पार्ट वगैरह भी इधर बहुत है, और इधर इनके पास भी आप देख सको भाई, इनके पास में भी ना एग्रीकल्चर जैसे फोगिंग मशीन होगी छोटी छोटी, और पेट्रोल डीजल पेट्रोल वाले पंप हो गए, और इधर स्पेयर पार्ट वगैरह रखा हुआ है रोटावेटर सीडर के लिए। और भैया एक अलग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये भैया कलर जो आप गाड़ियों पर उन पर कलर करते हैं ना उनके लिए कलर दिखाता हूँ मैं आपको कैसे कैसे हैं। हेलो, जो भी कलर आपने अपने किसी भी व्हीकल पर करवाना ना आप उसी के हिसाब से इनके पास सीले वगैरह भी भैया, और सब जितनी भी ना मतलब किसी बैरिंग में उसमें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में जो सील डलती है वो इनकी बनाई जाती है भैया इस कंपनी के द्वारा। और उसके बाद देखता हूँ भैया देखो कंबाइन में ट्रैक्टर में कोई भी स्पेंडल वगैरह आपके टूट जाते हैं तो आपको स्पेंडल वगैरह की जरूरत पड़ती है, ओरिजिनल पार्ट्स आपको कहाँ से मिलेगा, आप पुराने से पुराने नए से नए मॉडल का स्पेंडल इन पर ले सकते हो, और स्पेंडल की आर्म वगैरह भी अगर आपने चाहिए वो भी आप ले सकते हो। मतलब एग्रीकल्चर स्पेयर पार्ट बनाने वाले कंपनी आई है भी भैया। और उसके बाद दिखाते हैं चलो आपको ना प्रिंस के आपको थ्रेसर दिखा देते हैं भैया, जो बरनाला वाले बंदे हैं ये देखो, इनके लिए मैं आपको दिखाता चलूँगा। ये लो भैया मिट्टी वगैरह लोडिंग का धान बरसाने वाला पंखा वगैरह हो गया सब कुछ ये बनाते हैं, देखो भूसा भरने के लिए हो गया, ठीक है। और ये इनके धान निकालने के इस तरह के कृषि यंत्र काफ़ी सारे इनके पास हैं। अब इसके बाद दिखाते हैं आपको SBJ, लो भाई रूटावेटर देख लो कितना बड़ा है,
मेरे ख्याल में आज का जो एग्जीबिशन है इससे बड़ा रोटावेटर शायद ही आपको मिला देखने को। तो इसका साइज पता कर लेते हैं भैया। तो भाई ये है 12 फुट का रोटावेटर है, और आज के एग्जीबिशन में जितने रोटावेटर कंपनी आई होंगे मेरे ख्याल सबसे बड़ा यही मिलेगा भाई आपको देखने को। और भी दूसरे क्रिश्चियन तरबीन की कंपनी बनाती है। देखो भाई एक अलग चीज़ दिखा देता हूँ आपको, ये लो जैसे आप गन्ने वगैरह खेती करते हो ना उसमें वीडर की ज़रूरत होती है, तो ये वो काम भी करेगा और साथ के साथ इसमें ना अड़ भी आगे मतलब गहराई भी देगा आपको और आपके घास फूस को भी एडजस्ट कर देगा ज़मीन के अंदर। तो भैया रोटावेटर वगैरह ही बनाते हैं ये। और ये देखो अगर स्पेशल आपको गन्ने के लिए लेना है तो एक आगे भी है। इसके बाद में देख सकते हो आप इधर एग्रीकल्चर में जितनी मतलब कंबाइन वगैरह में रिपर वगैरह में जितनी भी पुलियों की जरूरत होती है ना सभी पुलिया आप इस कंपनी से ले सकते हो भाई। और ये देखो ट्रैक्टर के लिए ना आगे का वेट कैरियर फ्रंट वेट और चूल्हे आदि भी आप इन कंपनियों से बनवा सकते हो। देखो ट्रैक्टर की रिमोव आप जो वेट लगाते हो ना मोस्टली बंदे इसको ना जॉन डियर मॉडल बोलते हैं इस वेट को भाई। और ये फ्रंट वेट देख लो जो ट्रैक्टर के ना मतलब चूल्हे के आगे लगता है जिसको वेट कैरियर बोलते हो इसके ऊपर लगेगा भाई ये वेट। तो ये इस कंपनी से बनता है भाई। और इसके अलावा फिर आपको और आगे दिखाते हैं भाई। ये भी भाई स्पेयर पार्ट वगैरह बनाते हैं कंपनी अभी। तो भैया ये आ गए यहाँ पर रोटरी टीलर BCS कंपनी के, ठीक है ये BCS के रूटर हैं, रोटावेटर भी इसको बोल सकते हैं, पावर वीडर भी इसको बोल सकते हैं और पावर टीलर भी इसको बोल सकते हैं भाई। वैसे इसका नाम जो है पावर टीलर ही होता है। काफ़ी सारे हैं इनके देख सकते हो आप BCS इंडिया। और इनके पास ना एक अलग चीज़ है जो काफ़ी टाइम से मार्केट में चल रही है भाई, और वो है इनकी फ्रंट रिपर बाइंडर। मतलब आपके गेहूँ को काट के ना जो पुलिया भी बांध देगी भाई वो चीज़ इनके पास देखने को मिलेगी आपको BCS इंडिया के पास में। और ये देखो भाई BCS इंडिया इसमें ना दो तरह की आती है भाई, ये तो सिर्फ काट के और एक लाइन में डालती रहेगी आपकी चारे वगैरह। इसको ना मोस्टली जब यूज़ करते हैं किसान भाई जब किसी को हरे चारे के लिए अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है कटिंग करनी होती है खेत में जैसे भैंसों के लिए चारा मतलब बिरसों वगैरह काटनी है अपने जई काटनी है और ज्वार वगैरह काटनी है वैसे आप इसके साथ हिसाब से गेहूँ भी काट सकोगे। ये एक लाइन में डालती चली जाएगी फिर पीछे बांधने की प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप इस चीज़ से छुटकारा चाहते हो कि गेहूँ काट कर बंधाई भी साथ के साथ हो जाए तो उसके लिए आपको ये फ्रंट रिपर बाइंडर ये मिलेगी। डीजल इंजन होता है इनमें भाई, इसके बारे में डिटेल की वीडियो बाद में बना देंगे हम। और उसके बाद दिखाते हैं भाई आपको लैंड एग्रो कंपनी का सुपर सीडर। तो भाई सुपर सीडर भी इस कंपनी की, जीरो ड्रिल भी है, एक वगैरह के लिए पावर वीडर भी है और भैया रिपर वगैरह भी है। ये रिपर पे शायद इन्होंने कोई नाम वगैरह नहीं रखा है या फिर जल्दी में एग्जीबिशन लगाया तो उसकी वजह से तैयारी ये दूरी रहेगी होगी, लेकिन प्रोडक्ट आप देख सकते हो इस कंपनी के भी। और इसके साथ साथ मैं दिखा देता हूँ आपको कि भाई यहाँ पे ना इनके और कौन कौन से प्रोडक्ट आए, जैसे ये मंगवाने के लिए हो गया भाई, ये रोटावेटर हो गया इनका, बाकी कलर क्वालिटी अच्छी लग रही है भाई इनकी। और ये एक वगैरह के लिए, और एक वाले में ना आजकल वैसे भी नागे आड़ दे रही है कुर्पी वगैरह दे रही है, तो ये चीज़ें आप इनकी देख सकते हो। इसके बाद आपको ले चलते हैं भाई दूसरे स्टॉल में। स्पेयर पार्ट वाली कंपनियाँ बहुत आई हुई भाई, देखो मतलब आपने कोई भी टॉप सापट लेनी है अपने ट्रैक्टर के लिए, रिपर के लिए, कंबाइन के लिए, किसी भी तरह की आपने सापट चाहिए तो इनके पास मिल जाती है JBS वालों के पास। और अब दिखाता हूँ भैया आपको पराली काट कर लोड करने के लिए काफ़ी ऊंचा गंडा सा इन्होंने बनाया है, और ये कटर जो दाना के फाने ने इकट्ठा करके काट देगा भाई। तो ये देखो भाई, और ये इनकी फर भारत रिपर ट्रैक्टर के आगे फ्रंट रिपर जो जोड़ी जाती हुआ है भाई। तो इसी तरीके से काफ़ी सारी इम्प्लीमेंट्स की कंपनियाँ आई हुई हैं यहाँ पर और दिखाते रहिए। लेकिन आज के एग्जीबिशन में ना भाई स्पेयर पार्ट वाली कंपनियाँ बहुत ज़्यादा आई हैं, रोटावेटर वगैरह के जो भी स्पेयर पार्ट है, गियर बॉक्स वगैरह कुछ भी अगर किसी ने पूछना है तो वही चीज़ें ज़्यादा उसमें आई है। ये लो भाई अलग मशीन देखेगी आपको। तो भाई ये लो देखो आपको ना सरसों निकालने वाली मशीन दिखाएंगे, देखो इसके अंदर सरसों डाल रहे हैं, बिल्कुल छोटी सी मशीन है, ये देखो ऊपर से सरसों डाली जा रही है भाई, ठीक है।
और नीचे तेल निकल रहा है यहाँ पे, अभी देखिए दिखाते हैं आपको। ये लो भाई, तेल निकलना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, और इधर से एक खल निकल रही भाई, देख लो बिल्कुल छोटी सी मशीन है, आप अपने घर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्राइस वगैरह कितना सर? सर इसका भी 23,500 23,500 इसका वो है भाई प्राइस। डिस्काउंट है 21,000 में, और 2,500 रुपये डिस्काउंट है। अच्छा, और सभी का रेट एक जैसा है? एक जैसा रेट है सबका, छोटी है। अच्छा, उससे भी छोटी है, 18,500 की है, 18,500 की, 16,000 की। अच्छा, दो ही मॉडल है अपने? अभी तीन चार मॉडल है। ओके ओके, इससे भी बड़ी वो लास्ट वाली है, बड़ी बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर मतलब बड़ा जिसको बिजनेस करना है सर, बिजनेस के लिए ये 15 से 20 kg पेशिंग करेगी पर ओवर में। और ये जो सबसे छोटी वाली है कितनी करती है एक घंटे में? एक घंटे में 3 से 4 kg पेशिंग, 3 से 4 किलो। और ये वाली 4 से 8 kg पेशिंग करेगी? ये 4 से 8 किलो। जो बड़ी वाली है 15 से 20 kg पेशिंग पर घंटे का। ओके, तो भैया आपने इन्फॉर्मेशन ली तेल निकालने वाली, सरसों का तेल निकालने वाली मशीन के लिए। ये भैया जैसे आपने कंपनी में देखे हो ना, फोर लिफ्टर वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं मोस्टली, ये जो प्रोडक्ट आपको सामने दिख रहे हैं मिस्त्रियों के टूल वगैरह होते हैं, तो उसमें आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। कोई भी सामान उठा के लेके जाना है, किसी ने इंजन फिट करना है, कुछ भी करना है, तो ये मिस्त्रियों के काम की चीज़ें हैं भैया, टूल्स वगैरह जो हैं। और कंपनी का नाम बता देते हैं आपको, ये लो एडवांस। तो भैया जहाँ पर भी स्पेयर पार्ट है फोगिंग मशीन वगैरह के लिए देख सको आप भाई, स्पेयर पार्ट है फोगिंग मशीन का ना भैया सारा? CNC मशीन का। अच्छा, CNC मशीन के लिए। CNC मशीन का मतलब होता है भैया, जब आप कोई मतलब प्रोडक्ट खरीदते हो और उसके अंदर जो मेटल यूज़ किया गया लोहा वगैरह, वो CNC मशीन के द्वारा मतलब लेजर कटिंग द्वारा जो कटिंग होती है उसको CNC मशीन बोलते हैं। तो उसके स्पेयर पार्ट वगैरह भैया किसी ने जरूर दो। और कंपनी का नाम देख सकते हो भैया, रिपेयरिंग जोन। तो भैया स्पेयर पार्ट वाली कंपनियां बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, ये देखो भाई, देखते चलो साथ के साथ भाई, सब कंपनियां जो है ना स्पेयर पार्ट पर ज़्यादा ध्यान दे रही है अब की बार में। कोई बैरिंग है, कोई सील वाला है, तो कोई स्पेयर पार्ट वाला है, इस तरह के बहुत सारे स्पेयर पार्ट वाले बैठे हैं। तो चलो भाई अपना यह हमने मोटा मोटा आपको दिखा दिया इस वाले इसमें राउंड में, तो अभी चलेंगे आपको अगले वाले में लेकर, क्योंकि यहाँ पे दो तीन होल होते हैं। ये देखो जो आपने मतलब कल्टीवेटर वगैरह चलाते हो, तोताड़ा चलाते हो, उन सब के प्रोडक्ट आपको चाहिए, कल्टीवेटर के लिए खुरपिया वगैरह जैसी भी आपको चाहिए, और गंडासे टोके के लिए गंडासे वगैरह चाहिए, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए कल्टीवेटर के लिए, हल आपको अगर ज़रूरत है, किसी भी तरह की टाइल्स आपको जरूरत है, कितनी भी मोटी आप देख सकते हो भैया, छोटे से छोटी और मोटे से मोटी, तो उस तरह के इम्प्लीमेंट्स आपको अगर लेने हैं तो कंपनी का नाम देख लो आप सामने क्या लिखा रहा है, MOU। तो भाई बहुत सारी कंपनी ऐसी आई हुई है यहाँ पे जो सारे स्पेयर पार्ट्स के लिए ही जोड़ दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको दिखा देते हैं यहाँ पे दोबारा BCS के स्टॉल पर आ गया हम, BCS के जहाँ पर पावर वीडर वगैरह आपको दिखाई दे हमने। तो भाई इसके अलावा भी आपको और भी दिखा देते हैं, स्पेयर पार्ट्स पे ही ज़्यादा ध्यान दे रखा आज के एग्जीबिशन में भाई कंपनियों ने। और इसके अलावा भी आपको दिखा देते हैं भाई कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर आई हुई हैं। ये लो भाई चावल वगैरह निकालने के लिए एक से एक बड़े सेलर के, अगर किसी ने ज़रूरत है वो भी आप लगा सको, छोटी मशीनें वगैरह भी आप ले सको। और स्पेयर पार्ट का जोर है ही भाई, रोटावेटर आपको बनाना है तो खुले स्पेयर पार्ट आपको चाहिए तो आनंद ट्रैक्टर रोटरी से ले सकते हो। और बैरिंग वगैरह कुछ भी आपको चाहिए भाई, ठीक है। और ये देखो अगर आपको जीरो ड्रिल बनानी है तो जीरो ड्रिल के अंदर जो गन यानी कि पिस्तौल जिसको हम बोलते हैं, पिस्तौल अगर आपने यूज़ करनी है तो ये देख लो भाई, ये जीरो ड्रिल के लिए पिस्तौल ले। और आपके सुपर सीडर में जीरो ड्रिल में मतलब किसी भी तरह की मशीन है उनमें जो गन यूज़ होती है ना वो उनकी है भाई यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे जो ना सुपर सीडर अगर आपने
ख़रीदना है तो उस पर तवा कैसे लगेगा, पीछे का सिस्टम कैसे लगेगा, सारे का सारा स्पेयर पार्ट इनके पास से आप ले सकते हो। नेशनल एग्रीकल्चर वर्क्स, ये देखो दोस्तों अभी सारी फिटिंग ये करने लग रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या प्रोडक्ट इनकी कंपनी बनाते हो सब यहाँ दिख जाएगा। तो चलो अब आपको ना अगले इसमें ले चलते, एग्जिट होने से पहले भाई आपको केएस के प्रोडक्ट एक बार फिर दिखा देते हैं। इनका सुपर सीडर, रिपर और कंबाइन इत्यादि यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलो अब चलते हैं अगले एग्जीक्यूटिव हॉल में।